अम्मी जान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपकी फेवरेट स्टूडेंट समीना इम्तियाज ने आपको ये ईमेल भेजी है। इबारत: जान से अजीज मेरी प्यारी मैडम, बहुत दिनों से मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाह रही थी कि मैंने ऊपर वाले के करम और आपकी दुआओं से कैम्ब्रिज ना सिर्फ क्लियर किया है बल्कि पोजीशन भी ली है। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि मेरी माँ तो मेरी पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई थी, लेकिन जो प्यार और शफ़क़त मुझे आपसे मिली वो शायद मेरी माँ भी मुझे ना दे पाती। वो अगर आज जिंदा होती तो बिल्कुल आप जैसी ही होती। यहाँ यूनिवर्सिटी में मेरे सब दोस्त मुझसे बड़ी इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि मैं हज़रत अल्लामा इकबाल के वतन से हूँ तो वो मज़ीद मुझसे इज़्ज़त और एहतराम से पेश आने लगे। प्यारी मैडम, आप आज भी मेरी फेवरेट टीचर हैं। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10 मिनट रह गए मेरा पेपर होने में स्टार्ट। बेटा कोशिश तो करो, पर स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्या हो गया समीना? वो मैडम बाइक खराब हो गई। अच्छा तुम आओ मेरे साथ, आप मोटर बाइक सही करवा लें, मैं समीना को अपने साथ ले जाती हूँ। आओ बेटा आओ आओ, जल्दी करो। हाँ हाँ जाओ बेटा। तुम चलो। अबे क्या यार रफीक भाई, कैसे सही की थी, एक ही दिन में ठुस हो गई। बीवी के जहेज में आई हुई बाइक 20 साल हो गए, अब तो इसकी जान छोड़ दो, कोई दूसरी ले लो, ये तो किलो के हिसाब से भी नहीं जाएगी। देख भाई मेरी शहजादी को कुछ मत कहना, चल जल्दी से सही कर। भाई नाराज ना हो, अगर बात बुरी लगी तो मैं बड़ा माजर करता हूँ। देख मैं एक बात बता दूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ना ये मेरे साथ साथ चलेगी। बिल्कुल कहता है। छोटे दो कट लेकर आ फटाफट, जल्दी से बैठो आप, मैं देखता हूँ। अब छोड़ दे भाई, मुझे जाना है बच्ची को लेने। बस बस एक मिनट। जी मैं सनाबिया, अब आपकी बारी। एक बाल तेरी कौम का एक बाल खो गया, एक बाल तेरी कौम का एक बाल खो गया, माजी तो याद है मगर हाल खो गया। आँख बेदार कर दे वादाए दीदार से, जिंदगी कर दे दिल को सोस जोहरे गुफ्तार से। वाह क्या बात है आमिर। एक मिनट, अब मेरी बारी है। मस्जिदों के इवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, मस्जिदों के इवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। तालियां तो बजा दो। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर में जान पैदा कर। बाबा क्या बात है, जबरदस्त यार। बुतों से उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है जबान से नहीं है इकबाल, कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं। ये कोई सामने जादूगर है जिसने अपनी टोपी से कबूतर निकाल के फिजा में उड़ा दिया हो, या फिर इसने पानी पे चल के दरिया पार किया हो,
देखो मिस्टर, ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चापलूसी इंसान को इसी तरह खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को। और तुम ना इनके साथ बैठ के इंजॉय करो। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? तुम खुद ही इंजॉय करो। ले भाई बिट्टो, आ गया अपना शीश महल। तू जल्दी से सालन गरम कर, मैं गर्मा गर्म रोटियां लेकर आता हूँ। बाबा मेरी चिज्जी लाना मत भूलिएगा। अरे तेरा बाबा हर चीज लाना भूल सकता है, लेकिन तेरी चिज्जी लाना नहीं। ये ले, मैं जल्दी से आया बस। ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ फटाफट। अरे बिट्टो ये क्या, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है बदलते मौसम में यू बाल क्लीन करके ना आया कर। अरे बाबा पहले खाना तो खा ले। अरे खा लूंगा, बाल देख अपने पूरे गीली हुए हैं। मैं देखना मेरी बिट्टो कितनी प्यारी लगेगी। बाबा बेटी आपकी हो ना। अच्छा बिट्टो एक बात बता, ये मिस नायला तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना क्लास 8 में किया करती थी? उससे भी ज्यादा, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा बाबा, मैंने कभी अपनी असली माँ तो नहीं देखी, लेकिन मैडम नायला में मुझे अपनी माँ नजर आती है। पापा, बाबा मत रोए बाबा। अगर आप भी इस तरह रोएंगे तो हमें कौन चुप कराएगा? कौन कराएगा हमें चुप? अच्छा बाबा बहुत हो गया रोना रोना, अब मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। ठीक है, ये बताओ भाई कि ये यहाँ से होटल तक का कितना सफर बाकी है? अभी बस सर एक घंटे का सफर है। एक घंटा? एक घंटे में तो मैं लाहौर से कराची आ गया हूँ भाई। अच्छा, इसका मतलब है आप भी लाहौर से आए हैं? था भाई किसी जमाने में, अब तो बहुत अरसे से मैं लंदन में सेटल हूँ। मैं इस बंदे की तलाश में पाकिस्तान आया हूँ, लाहौर से कराची आया हूँ। लाहौर में मालूम हुआ कि कराची शिफ्ट हो चुका है, तुम जानते हो? मालूम नहीं सर, देखा नहीं है कभी। अच्छा एक काम करो, इस तस्वीर को अपने पास रखो, जहाँ कहीं भी ये शख्स नजर आ जाए इस तस्वीर के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, मुझे फौरन इतला करो। और बेफिक्र रहो, इस काम की फीस तुम्हें अलग मिलेगी। जी शुक्रिया। वो सब जल्दी करो यार। और मैं इन दोनों बेटियों की शक्ल में अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। ये बच्ची अल्लामा इकबाल की शख्सियत और शायरी पर रिसर्च करना चाहती है, मैंने आपको फोन पर बताया।
अनाविया बेटा कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है अब्बू, और आप बिल्कुल बेफिक्र और मुतमईन रहें, क्योंकि इस बार भी आपकी बेटी हमेशा की तरह टॉप करेगी इंशाल्लाह। मुझे फख्र है नायला बेगम अपनी दोनों बेटियों पर, इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगी पढ़ाई में, और मैं इन दोनों बेटियों की शक्ल में अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ, और ये शेर याद आया है। कौन सा शेर बाबा? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अरे हाँ मुझे याद आया वो। अब क्या याद आ गया मम्मा? वो मिसेस खान है ना जो एनजीओ चला रही हैं। क्या हुआ उन्हें? जी जी खैरियत है, दरअसल पिछले जुमे उनका फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे मेरे स्कूल की हर क्लास की एक बच्ची और एक बच्चे का नाम पूछा है। तो फिर किस लिए? तालीमी वजीफ़ा देना चाहती हैं वो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि बच्चे और बच्चियाँ बहुत लाइक फाइक हों। लाइक फाइक, तो आपने तो समीना का नाम दिया होगा है ना? बेशक, क्यों नहीं, बहुत समझदार और बहुत लायक बच्ची है माशाल्लाह। एक्चुअली मिसेस खान, समीना बहुत ज़हीन बच्ची है, मैं दावा तो नहीं करती, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्ची तालीमी शोबे में बहुत आगे जाएगी। मिसेस नायला, आपने अपनी स्टूडेंट बच्ची से ये जानने की कोशिश की कि वो क्या बनना चाहती है, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और फील्ड? ये बच्ची अलामा इकबाल की शख्सियत और शायरी पर रिसर्च करना चाहती है, मैंने आपको फ़ोन पर बताया था। जी जी, मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ बेटा, आओ। आओ बैठो। समीना बेटा, ये मिसेस खान है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये तुमसे कुछ सवालात करेंगी, अगर तुमने जवाब दे दिए तो तुम्हारे माली अखराजात, पढ़ाई के सारे मिसेस खान की एनजीओ उठाएगी। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। समीना, क्या आपको पता है कि सर अल्लामा इकबाल के दादा बुजुर्गवार का नाम क्या था? जी, उनका नाम शेख नूर मोहम्मद था, वो एक नहायती मुत्तकी परहेज़कार थे। आप उस उस्ताद का नाम बता सकती हैं जिन्होंने पहली ही नज़र में सर अल्लामा इकबाल जैसे काबिले जौहर नौजवान को पहचाना? वो इंतहाई शफीक उस्ताद मौलवी मीर हसन थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल सर की तरबियत फरमाई और उनमें इस्लामी शौक पैदा किया। सर अल्लामा इकबाल को अपने कौन से फाजिल शफीक उस्ताद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी? अल्लामा इकबाल सर को सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्रोफेसर आनल से थी, और इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब प्रोफेसर आनल के इंतकाल की खबर अल्लामा इकबाल सर तक पहुंची, तो उन्होंने चंद अल्फाज अपने लबों से अदा किए कि आज इकबाल अपने बहुत अजीम दोस्त और मोहब्बत करने वाले उस्ताद से महरूम हो गया। ये तो बताइए सारा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी है। भाई जहाँ रहा तुम्हारा बेटा मुझे बड़ा पसंद आया, यानी इंतहाई समझदार और ज़हीन बच्चा है। माशाल्लाह, बस जी अल्लाह का बहुत करम है। वैसे आमिर से जो भी मिलता है ना उसकी बहुत तारीफ करता है। भाई वो है ही तारीफ के काबिल, सच्ची बात है ये तो। भाई मेरी एक ख्वाहिश है जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकती। कैसी ख्वाहिश? मैं एक्चुअली, मेरी जो पोती है फरी, उसके लिए मैंने तुम्हारे बेटे को पसंद किया। अब तुम मुझे बताओ कि इस मेरी ख्वाहिश का कैसे ख्याल रखोगे? आपकी इस ख्वाहिश ने तो मेरी और मेरे मरहूम शौहर की हसरत को हकीकत में बदल दिया। वैसे आमिर के पापा अगर जिंदा होते ना तो अपने आप को गिरवी रखकर भी आमिर को बरतानिया पढ़ने भेजते, और वो भी वहीं से जहां से अल्लामा इकबाल ने तालीम हासिल की थी।
हाँ जी आ गए। अच्छा चलो बस मैं 5 मिनट में बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। SHO साहब आ गए, वो अपनी नवासी के सिलसिले में ना मुझे एक मीटिंग करनी है उनसे, वो मैं करके आता हूँ, ठीक है। ओके खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आमिर, 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 आमिर तुम कब आए? जब आप अपने मामू जान को मेरे अब्बा जी का झूठा हवाला देके उनकी हसरतों को यकीन में तब्दील कर रही थी। अम्मा जी ये आजादी हमने मांग कर नहीं बल्कि छीन के हासिल की थी। इस मुल्क की बुनियादों में शहीदों का खून दौड़ रहा है और वो कर्ज है हम तमाम पाकिस्तानियों पर। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हाँ सुना है, एक बार नहीं कई बार सुना है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें बर्तानिया क्यों ना जाना पड़े। क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? देखो यार प्लीज मुझे गलत मत समझना, अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ बहन बेटी का रिश्ता आता है सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि लड़का कमाता कितना है। इधर उधर की बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस मूड ऑफ होने की वजह क्या है? असल में मेरी अम्मी के एक बहुत दूर के रिश्तेदार यूरोप से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी एक पोती है तो सांवली लेकिन काफ़ी फोटोजेनिक है, मतलब तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी पोती से शादी कर लूँ। अब जो अम्मी और अब्बा हैं ये लोग तो ऑलमोस्ट राज़ी हैं, बस मेरी हाँ या ना पे बात टिकी हुई है। मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया तुमने? तुम्हारे बारे में तो मैंने पक्का पक्का फ़ैसला कर लिया है। क्या फ़ैसला कर लिया आमिर? यही कि पहली शादी तो मैं तुमसे करूंगा। ये तो हाँ जहारा क्या हाल है, खैरियत से हो? हाँ हाँ बिल्कुल सब खैरियत है। वो कल जब आप आए थे ना तो आमिर से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, लिहाजा आज रात को आप आ जाइए तो आमिर से भी मुलाकात हो जाएगी आपकी। आज नहीं नहीं जहारा आज तो बहुत मुश्किल है। मैं चलो एक बात सुनो, मैं लंदन जाने से पहले ना तुम लोगों से जरूर मिलके जाऊंगा। देखो ना भाई मैं जिस काम से पाकिस्तान आया हुआ हूं, दुआ करो कि बस वो जल्द से जल्द हो जाए। इंशाल्लाह जरूर। चलो ओके ओके अल्लाह हाफिज। अरे तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें क्लासरूम में ढूंढ रहा था। अब यहाँ बैठने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब की बात करो, क्यों ढूंढते फिर रहे हो मुझे? मतलब की बात यह है कि मेरी अम्मी अब्बू ने मेरी मंगनी तय कर दी है, बस यही खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था। अल्लाह रहम करे पराई बच्ची पर। क्या क्या बोला तुमने? यही कि कौन होगी वो खुशनसीब जो तुमसे पहले मंगनी और फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। उस खुश नसीब को तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, बल्कि पूरा कॉलेज अच्छी तरह से जानता है और अनकरीब पूरा शहर जान जाएगा। लेकिन आमिर पता नहीं कब तुम्हारी अम्मी शादी का पैगाम लेकर आएंगी हमारे गरीब खाने पर। अरे यार पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सब अच्छा होगा। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम,
दुनिया है अजीब चीज, कभी सुबह कभी शाम। ये इल्म और हुक्म की मराबाजी, ये बहस और तकरार की नुमाइश, नहीं है अब दुनिया को गवारा पुराने अफकार की नुमाइश। ना एशिया में ना यूरोप में सोजो साज़े हयात, ना एशिया में ना यूरोप में सोजो साज़े हयात, खुदी की मौत है ये और वो है ज़मीर की मौत। छोड़ यूरोप के लिए रक्स बदन के खमो पेच, रूह के रक्स में है ज़र्ब कलीम इलाही। बेटियों को बांध दिया जाता है उन खानदानी रवायतों के खूंटों से जिस पर लोग अपने जानवर बांधते हैं। थैंक यू। नायला बेगम, तुम्हें याद है जब अनाबिया पैदा हुई थी तो पैदा होते ही मैंने उसको अपनी बाहों में लिया था और मेरी बाहों में आते ही वो मुस्कुराई थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वो लम्हा। पता है क्यों मुस्कुराई थी वो? हाँ बताइए। क्योंकि ऊपर वाला हर बेटी की फितरत में ये बात डालकर उसे दुनिया में भेजता है कि जा, जब तक तेरा बाप जिंदा है कोई गम कोई फिक्र तुम्हें जिंदगी में तंग नहीं करेगी। और तुम्हें पता है जब मैंने उसको अपनी गोद में लिया था ना तो मुझे देख के मुस्कुराई थी और मैंने भी मुस्कुराकर उसे खुशामदीद कहा था। लेकिन अफसोस आज के इस माशरे में हम बेटों की बड़ी आवभगत करते हैं। मकसद है बेटों के रिश्ते के लिए अच्छे से अच्छे खानदान की तकदो करते हैं और बेटी के लिए। नाला बेगम, क्या तुम जानती हो कि बेटी और बेटी में क्या फर्क होता है? मैं बताता हूं। बेटी को बांधा जाता है कमर के साथ और बेटियों को बांध दिया जाता है उन खानदानी रिवायतों के खूंटों से जिस पर लोग अपने जानवर बांधते हैं। लेकिन मैं इन रिवायतों को नहीं मानता, बल्कि मैं इन सारी रिवायतों के खिलाफ। ठीक कहा आपने। एक बार मेरे घर वालों से मिलने में प्रॉब्लम ही क्या है? मैं बस नर्वस फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सवाल करेंगे वो। तो इसमें क्या हुआ, जो सवाल करें जवाब दे देना, बल्कि मैं तो कहती हूँ सब कुछ सच सच बता देना। अरे यार तुम समझ नहीं रही हो, अगर उन्होंने मेरे बाबा के बारे में मुझसे कोई सवाल कर लिया कि वो क्या काम करते हैं तो फिर क्या जवाब दूंगा मैं? ओहो, तो जनाब इस वजह से परेशान है। आमिर, मैं अपने अब्बू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और जैसे तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो मूड सही करो अब अपना,
आज तो कोई मुझे चाय के लिए पूछ भी नहीं रहा है। चाय? जूस पिला दो। वोट सही करो ना, चले कैंटीन। चलो फिर, यहाँ आई क्यों थी? भाई देखो नायला बेगम, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की, कि उनकी शादी माँ बाप की मर्जी से हो। अरे भाई, जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है। हाँ, हम सिर्फ अपनी औलाद को गलत और सही की तमीज सिखा सकते हैं, बस। ठीक कह रहे हैं, और ये बात मैं अनाबिया को बहुत अच्छे से समझा चुकी। उसने बुरा तो नहीं माना? नहीं, उसने बुरा नहीं माना, लेकिन शायद अगर उसकी जगह बेटा होता तो उसे बुरा ज़रूर लगता। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं आमिर को बुला लूँ? ये सारी बातें तो उससे मिलने के बाद ही तय होंगी ना। थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, मैं बताता। ठीक, जैसे आप कहें। भाई छोटे, उस्ताद कहाँ है? अभी तक नहीं आया। चल अच्छा, ये मेरी गाड़ी देख, जरा मिसिंग कर रही है यार। पैसे वैसों का मसला नहीं है, उस्ताद से कर लूंगा मैं। उस्ताद मेरे को डांटेंगे यासीन भाई। अबे कोई नहीं डांटेंगे यार, तू मिसिंग कर रही है, ऑयल वेल चेंज कर, मैं होटल पे बैठा हूँ, कर, मैं उस्ताद से कर लूंगा, टेंशन नहीं ले तू, कर कर। अम्मी आप अब्बू से कहिए ना कि एक दफा आमिर से तो मिल लें प्लीज। बेटा कई दफा तो बोल चुकी हूँ, और कितना कहूँ उनसे। फिर क्या कहा उन्होंने? तो फिर क्या फायदा हुआ आपके बात करने का? ये तो वही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, चाय लेके आती हूँ मैं आपके लिए। नहला बेगम, क्या बात है, आज हमारी बेटी उखड़ी उखड़ी सी लगी है मुझे, क्या हुआ है? अब पता नहीं ये मेरा वहम है या हकीकत। ये तो आप उसी से पूछें। हाँ, लेकिन ऐसा रवैया मेरे साथ कभी नहीं था इसका, पता नहीं क्या बात है। अब वो चाय जीती रहो। और अम्मी जान, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटा। रुको अनाबिया, सुने अनाबिया आपसे आमिर को मिलवाना चाहती है। कौन आमिर? आपको मालूम नहीं है कि आया आपकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है या फिर आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आमिर अनाबिया का वो क्लास फेलो है जिससे रोज़ाना कॉलेज के गेट पर आपका आमना सामना होता है। अच्छा, वो आमिर क्यों मिलवाना चाहती है? वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कल बुलवा लो। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, ये तो शुक्र अदा करो कि मेरे अबू ने तुम्हें अप्रूव करने का इशारा दे दिया, नहीं तो ना मजनू बने, रात गए सड़क किनारे, मधम स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठे दिलचले शेर लिख रहे होते। मजनू वो तो पागल था। वो पागल था तो तुम क्या हो? मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ, लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे शादी के बाद मैं भी पागल हो जाऊंगा। अरे सुनो सुनो, क्या हो गया, नाराज हो गई? यार तुम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो, मजाक कर रहा था मैं तो। मजाक और तंज में बड़ा फर्क होता है, समझे मिस्टर? अच्छा चलो, मान लेता हूँ कि शायद मैंने मजाक नहीं तंज ही किया होगा। शायद नहीं, कंफर्म तुमने तंज ही किया है।
ओके मैडम, माफी चाहता हूँ, सॉरी। ये आपके लिए। अरे थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार। शुक्रिया मेरा नहीं, उनका करें। कौन? आफिया, हम दोनों कितने लकी हैं ना कि ऊपर वाले ने हमें ऐसे अजीम माँ बाप दिए हैं। आपी, आपको ये बात आज मालूम हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें कितने अजीम वालदेन से नवाजा है, और वो भी जब उन्होंने आपकी पसंद को अपनी पसंद बनाने का फैसला किया। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे मौके पर हज़रत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है भाई, मुमकिन है कि तू जिसे समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिजा का, शायद कि ये ज़मीन है किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ को। तो आमिर भैया, पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बहुत अच्छी अंकल, माशाल्लाह। बेटा मैं हमेशा उन बच्चे बच्चियों को बहुत पसंद करता हूँ जो अपना सारा वक्त अपने ऊपर या अपनी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, मेरे वालिद साहब ने भी मुझे यही समझाया है। क्या करते हैं तुम्हारे वालिद? जी वो मोटर मैकेनिक हैं। अरे बेटा, मोटर मैकेनिक होना कोई जुर्म नहीं है, तुमने इतनी हिचकिचाहट के साथ कहा है। अच्छा होता तुम उनको भी अपने साथ लाते। दरअसल वो कराची में नहीं होते हैं, वो नवाबशाह में रहते हैं। नवाबशाह में? नवाबशाह में तो मैं भी रहा हूँ, वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पहली से लेके मैट्रिक तक मैं नवाबशाह में था, बाद में मैं कराची शिफ्ट हुआ था। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? नाम तो उनका अहमद अशफाक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले हज किया था तो अब वो हाजी अहमद अशफाक के नाम से पहचाने जाते हैं। तुम अशफाक के बेटे हो? तुम्हारे वालिद वो जो मिशनरी स्कूल था उसमें पढ़ते थे? जी जी वहीं पढ़ते थे वो। अरे अरे नाहला बेगम, वो तो मैंने और अशफाक ने पहली से लेके मैट्रिक तक एक साथ रहे हैं, हमारा बचपन साथ गुजरा है। अरे कमाल हो गया, तुम अशफाक के बेटे हो, वाह वाह वाह। अच्छा आमिर बेटा, अब जल्द अज जल्द अपने वालिद को कराची बुलवाओ, फिर हम दोनों बैठ के सारे मामला तय कर लेंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो अब मुझे इजाजत है? अरे नहीं नहीं बेटा, चाय पिए बगैर कैसे जाओगे तुम? हाँ क्यों नहीं। अनाबिया। जी अम्मी। चलो इतनी जल्दी आ गई, तुम तो ऐसे जैसे दीवार से कान लगाए खड़ी थी। नहीं अम्मी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा आमिर को ले जाओ और घर दिखाओ। हाँ जाओ बेटा। वाह भाई वाह। अरे आपने इतनी जल्दबाजी में कैसे कह दिया, कोई छानबीन की जाती है बेटी देने से पहले। नाहला बेगम, अल्लाह ने हमारी किस्मत बहुत अच्छी की है, मैं अशफाक के पूरे खानदान को जानता हूँ, उसके दादा दादी चाचा चाची मामू मामी सब के साथ वक्त गुजारा है मैंने। हाँ इम्तियाज, इम्तियाज जल्दी आओ, लकी जल्दी आओ। तुम अपने बाबा को छोड़ के जाओगी? नहीं हरगिज़ नहीं। अबे छोटे, ये डाल दे इसके अंदर। हाँ भाई रफीक उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल फिट फाट, अपना और बाइक का हाल सुनाओ। अल्लाह का करम है, मैं और बाइक दोनों फर्स्ट क्लास चल रहे हैं।
यार रफीक भाई, ये लो तुम्हारी अमानत। अबे इधर उधर क्या देख रहे हो, नोट संभालो। अबे पुलिस तो नहीं आ रही है। पुलिस? अबे क्या दिमाग खराब हो गया है? अबे तुम्हारे पास से इतनी रकम बरामद हो ना, किसी खतरे से खाली नहीं है। अबे ड्रामेबाजी मत करो, तुम नहीं जानते कभी हम भी रईस हुआ करते थे। बस हालात की सितम जरीफी ने यहाँ तक पहुँचा दिया, अब एक डूबी हुई रकम मिली है, बस इसी वजह से ये देने आ गया तुम्हें। तुम्हारी डूबी हुई रकम तुम्हें मिल गई, हमारी डूबी हुई रकम हमें मिल गई। हाँ आज तो चाय और बाकर खानी दोनों। ओ छोटे, दो कट लेकर आ और बाकर खानी भी लेकर आ। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ यार, इनफैक्ट मैं जो है उसको ढूंढने में नाकाम रहा हूँ। हाँ मैं क्या करूँ बेटा, मैं बिल्कुल नाकाम हो गया हूँ, तलाश ही नहीं कर सका हूँ मैं उसको। हाँ नहीं कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके जिम्मे मैंने ये काम लगाया बेटा। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, कमिंग संडे को आ रहा हूँ। हाँ लगी था जल्दी करना बेटा, मैंने कर लिया वकील। मैं एक मिनट होल्ड करो बेटा, एक मिनट होल्ड करो, मैं बात करता हूँ। एक मिनट बात होल्ड करो। इम्तियाज जल्दी आओ, लकी चलो फॉलो करो उसको यार। यार क्या वजह थी जो मुझे रोक लिया? क्यों रोक लिया? कौन है? तस्वीर दिखाई थी ना मैंने, इम्तियाज है ये, वही इम्तियाज जिसकी वजह से मैं लंदन से यहाँ पाकिस्तान आया हूँ। अरे रिलैक्स करें, यहाँ पे किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते, ये इंग्लिस्तान नहीं ये पाकिस्तान है, यहाँ विदाउट परमिशन जाएंगे उल्टा आप पर केस हो जाएगा, आप प्लीज बात को समझें। ओके फिर एक काम करो, तुम मुझे यहाँ मेन रोड पर छोड़ दो ठीक है, और मैं फिर पुलिस वालों को लेकर आता हूँ, मगर इसकी निगरानी करते रहना। आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने इसका घर देख लिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस घर की निगरानी करता रहूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। चलो मुझे छोड़ो, मेन रोड पे छोड़ो। अब तो चल दिया। बाबा आखिर हम जा कहां रहे हैं? अरे बताता हूं, पीछे बेटा पीछे। हां जल्दी बैठ। मैडम मैं समीना को लेके अपने कई रिश्तेदारों के यहाँ गया, मेरा दिल नहीं माना, मुझे लगा कि ये सिर्फ आपके घर में महफूज रह सकती है, इसलिए मैं इसे लेके आपके घर आ गया। आपने बहुत अच्छा किया इम्तियाज साहब कि समीना बेटी को यहाँ ले आए। बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने, यहाँ से पुलिस तो क्या कोई भी इदारा समीना को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा सकता। आप समीना को लेकर अंदर जाएं। जी अब बेटा आ जाओ बेटा। हाँ जाओ। सर चले अंदर। एक मिनट, आप लोग ध्यान से सुने, हम लोग यहां पर किसी इश्तहारी की गिरफ्तारी के लिए नहीं आए, हम एक मजबूर बाप की बेटी की कस्टडी लेने के लिए आए, लिहाजा आप लोगों का किरदार इसमें सिर्फ एक खामोश तमाशाई का होना चाहिए। समझ गए आप लोग? यस सर। ओके थैंक यू। और हाँ सिकंदर साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जीत आपकी ही होगी। इंशाल्लाह तमाम एविडेंस उनके खिलाफ है। आई प्लीज। ये देखिए प्रोफेसर साहब, ये समीना नामी इनकी नवासी की कस्टडी के कागजात हैं जो पाकिस्तान एम्बेसी लंदन ने जारी किए हैं। वैसे वकील साहब, होना तो ये चाहिए कि बिन माँ की मासूम बच्ची को
बाप के पास ही रहना चाहिए, जब तक वो आखिल और बालिग ना हो जाए। हाँ, बालिग होने के बाद बच्ची डिसाइड खुद करेगी कि उसने अपने बाप के साथ रहना या नाना के साथ। एसओचओ साहब, उस बच्ची से कम ये तो पूछें कि उस गंदगी के ढेर में अपने निकम्मे बाप के साथ रहना चाहती है या अपने नाना के महल में। तशरीफ रखिए आप लोग। थैंक यू इम्तियाज साहब, बेटी को लेकर आ जाए। मिस्टर इम्तियाज, आप जानते हैं मिस्टर सिकंदर साहब को? जी, बहुत अच्छी तरह। आओ बेटा, हमारे पास आओ। जाओ बेटा, ये नाना है तुम्हारे। वकील साहब, मेरे ख्याल जो बात हम करने आए हैं ना, वो कीजिए प्लीज। इम्तियाज साहब, हमने आपको बहुत तलाश किया है, लेकिन आप। वकील साहब, मैं कह रहा हूँ वो बात कीजिए प्लीज। सॉरी। हाँ, तो मैं बता रहा था, मेरे क्लाइंट सिकंदर जाजेब साहब लंदन से पाकिस्तान अपनी नवासी की कस्टडी लेने के लिए आए हैं। बिट्टू, ये तुम्हारे नाना है, तुम्हें तुम्हें यहाँ से लेकर लंदन जाएंगे। तुम अपने बाबा को छोड़ के जाओगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। बेटा, अगर आप अपने नाना के साथ लंदन चली जाएंगी, वहाँ तालीम हासिल करेंगी, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। नहीं, मेरा मुस्तकबिल नाना के साथ नहीं, बाबा के साथ यहाँ है। नहीं, बिट्टो 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 बिट्टो, दरवाज़ा खोल। नहीं, दरवाज़ा खोल बिट्टो। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बिट्टो, तेरे बाबा की मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं ले जा सकता। बाबा, मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती आपके। मैं आपके बिना मर तो सकती हूँ, लेकिन रह नहीं सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बेटो, तेरी माँ के बगैर तो मैं भी रह लिया था, लेकिन तेरे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता मैं। बेटो, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। बेटो, आ जा बेटा, बेटो बाहर आ जा। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, तेरे बाप को भी लेके जाऊंगा बेटा, तुझे अकेला नहीं लेके जाऊंगा, तेरे बाप को भी लेके जाऊंगा साथ। आ जा बिट्टो, आ जा बेटा, आ जा, आ जा। आ जा बेटा, आ जा, आ जा, आ जा। हाँ बेटा, हाँ, बाप को भी लेके जाऊंगा, आ जा, हम सब साथ चलेंगे, तुझे नहीं छोड़ूंगा अकेले बेटा, तेरा बाप भी साथ है, तेरा बाप भी साथ जाएगा बेटा।